चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे चैनल पे अपलोड होने वाली न्यू वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आप व्हाट्सएप पे भी एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, वो भी विदाउट किसी एप्लीकेशन की मदद से। तो आइए मैं आज आपको इस वीडियो में बताता हूँ कैसे आप सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे एप्लीकेशन को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो मैं आपको बता दूं कि उसके लिए पहले आपके पास APK फाइल होना चाहिए जिस एप्लीकेशन को आप अपने फ्रेंड को भेजना चाहते हैं। तो या तो आपके पास अगर ES एक्सप्लोरर है तो आपका जब भी आप डाउनलोड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक APK फाइल बना लेता है जो कि सेंड करने में आपके लिए काम आएगा। अगर आपके पास APK फाइल बनाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है तो आप प्ले स्टोर से माई ऐप शेयर नाम का एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले जो 2 MB का है। उसको डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन को आपको सेंड करना है अपने दोस्त के पास। आप देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर लिंक और APK है। अगर आप लिंक करते हैं तो दोस्त के पास सिर्फ लिंक जाएगा और APK की तरफ आपने लाया है तो ये APK बना देगा। तो मैं अभी आपको बताने के लिए छोटा सा एप्लीकेशन बता देता हूँ कि कैसे आप उसको सेंड करेंगे अपने दोस्तों के साथ। चलिए मैं जैसे चाह रहा हूँ कि मैं कोई भी एक छोटा सा एप्लीकेशन जैसे आई फिल्टर, ये एप्लीकेशंस का नाम है, मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको शेयर करूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो आपको क्या करना है, शेयर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप शेयर पे क्लिक करते हैं ये ऑटोमेटिकली एक फाइल बन गया होगा माई ऐप शेयर के फोल्डर में। आप जाइए अपने जहाँ पे आपका एक्सप्लोरर है, फाइल एक्सप्लोरर। चलिए मैं फाइल एक्सप्लोरर पर आप लेकर चलता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए माई ऐप शेयर का फोल्डर बन चुका है। इस पर क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे एक एप्लीकेशन आ चुका है जो APK के फॉर्मेट में आ गया है। तो अब आपको सेंड करना है। आप जानते हैं कि व्हाट्सएप पे आप सिर्फ टेक्स्ट और फोटो को ही सेंड कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे आप यहाँ पे आते हैं आप देखेंगे कि सेंड का ऑप्शन में, अगर मैं इनको इस नंबर को खोल रहा हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या आ रहा है। ऐसे डॉक्यूमेंट, कैमरा, गैलरी और ऑडियो, यहाँ पे APK सेंड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप कैसे सेंड करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको करना क्या है कि माई ऐप शेयर में जाइए, जहाँ पर आपका वो एप्लीकेशन है उसको रीनेम कर दीजिए। एक ट्रिक है, कोई एप्लीकेशन के थ्रू आपको नहीं करना है। यहाँ पर जो .APK आपको दिख रहा है आपको इसको .txt कर देना है और उसको ओके कर देना है। ठीक है, ओके करने का दोबारा नहीं आया। अब देखेंगे कि ये एप्लीकेशन क्या हुआ, आपका टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपको यहाँ व्हाट्सएप से आके शेयर करना है इसको जहाँ पे आपने रखा है। तो आप इसको डॉक्यूमेंट में सेंड करेंगे तो डॉक्यूमेंट पे आइए और डॉक्यूमेंट पे आने के बाद आप जहाँ पे इसके रखना रखे हैं वहाँ पे आ जाइए। यहाँ से अगर आप देखिए मेरा यहाँ पे नहीं खुल रहा है तो आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट वाई नहीं आ रहा है यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप डायरेक्ट उस फाइल पे जाइए और इसको यहाँ से शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे। किसको शेयर करना है उसका नाम आप लिख लीजिए, माई जियो टू, मेरा अपना नंबर पे ही सेंड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से देखिए कि मैं इसको सेंड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 2 मोबाइल नहीं है। मैंने इसी मोबाइल में एक पैरेलल स्पेस के द्वारा ही अपने एप्लीकेशन पर व्हाट्सएप को डाउनलोड किया है और उसी पर मैं इसको सेंड कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि 2.2 MB का ये फाइल है। मैं नेट बंद रुक जाइए, ये 2.2 MB का फाइल है ये सेंड हो रहा है। तब तक मैं रोक देता हूँ वीडियो को। चलिए ये फाइल सेंड हो चुका है मेरे दूसरे नंबर पर। तो मैं यहाँ पे इसको खोलता हूँ जो मेरा पैरेलल स्पेस में है। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुका है लेकिन टेस्ट के फॉर्मेट में। तो पहले मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखिए ये डाउनलोड हो गया क्योंकि मैं इसको अपने एक ही फ़ोन में दोनों पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो मेरे साथ प्रॉब्लम, मुझे इसको जाना होगा मुझे पैरेलल स्पेस के ही एप्लीकेशन में जहाँ पे ये डाटा स्टोर हुआ होगा। ठीक है, तो मैं बैक करता हूँ, मेरा SD कार्ड में आया, मैंने पैरेलल स्पेस से अपना दूसरा व्हाट्सएप चला रखा है। आपको यह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना होगा कि डायरेक्टली अपने व्हाट्सएप में आना होगा। व्हाट्सएप के फोल्डर में आकर आपको, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे मेरा जो मेन व्हाट्सएप है उसका आप देख सकते हैं कि फोल्डर यहाँ नीचे बना हुआ है। तो ये मेरा मेन है जिससे मैंने डाटाबेस को सेंड किया, लेकिन मैंने पैरेलल स्पेस से जो बनाया है वो मेरा कहाँ पर होगा,
वो मेरा होगा इसमें। तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे देखिए कि आपको व्हाट्सएप दिख रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया, मीडिया में गया और मैंने क्या किया था, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट पे आया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अभी टेक्स्ट फॉर्मेट में दिखा रहा है, तो आपको फिर से रिवर्स कर देना है, यानी कि इसको, सॉरी, आपको फिर से इसको रीनेम कर देना है। रीनेम करने के बाद यहाँ पे जो डॉट txt था उसको आपको डॉट apk कर देना है और ओके कर देना है। उसके बाद आपको ओके की जैसे देखेंगे आपको ये दिख चुका है कि ये एप्लीकेशन हो गया। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल का ऑप्शन मांगेगा। तो आपने आज सीख लिया कि कैसे आप व्हाट्सएप पे भी APK फाइल को सेंड कर सकते हैं किसी भी फ्रेंड को, कितना बड़ा भी फाइल क्यों ना हो। ये फ़ायदा कब करता है, जब आपको कुछ दोस्तों को एप्लीकेशन के बारे में बताना होता है लेकिन आप उसको समझा नहीं पाते हैं, तो आप उसको ये सेंड कर दे एप्लीकेशन, वो डाउनलोड कर लेंगे डायरेक्टली। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी करने में तो आप मुझे मैं कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक फ्रेंड्स, बाय बाय।